पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि जोन नाम का आदमी अपने घर से छोटी सी बोट लेकर फिशिंग करने के लिए निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद अंधेरा हो जाता है और उसे एक लवारिस बोट दिखती है। जब इस बोट पे ये जाता है तो ये बोट ऑन नहीं हो रही होती है, इसकी बोट गायब हो चुकी होती है। ये यहाँ से निकलने के लिए इस बोट से कुछ पार्ट निकालता है और उससे अपना एक राफ्ट बनाता है। घंटों तक राफ्ट पे बैठा रहे, ये सोचा की अब चलेगी, लेकिन ये चली नहीं। जोन को भी समझ में आ गया की किसी तरह इस बोट से निकलना होगा, इसलिए वो बड़े वाले बोट पे आ जाता है और सबसे पहले तो उस बोट में भरे हुए पानी को निकालता है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए पहले मोटर को बनाता है और तेजी से पानी निकालता है। उसके बाद बोट में जो जो दिक्कतें थी उसको ठीक करता है और पेंट करता है ताकि पानी वापस ना भरे। सारी चीज करने के बाद एक बार फिर से रेडियो के पास जाके मदद मांगने की कोशिश करता है ताकि उसका कोई मदद कर दे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। थक हार के फिर से डेक पे जाके बैठ जाता है। मैप उठा के अपनी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। ये सब करने के बाद बोट स्टार्ट करने के लिए जाता है, लेकिन बोट बंद हो चुकी थी, ये अपने आप चलती है। ये सोचता है कि अब क्या करे। तभी इसके सामने से एक शिप जाती हुई दिखाई देती है। ये तुरंत छलांग लगा के पानी में अपनी राफ्ट पे बैठ के शिप की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन अचानक ये बोट ऑन हो जाती है और इसके पीछे आने लग जाती है। और ये राफ्ट से अपनी तेज जाने की कोशिश करता है, लेकिन बोट भी तेज हो जाती है और उसे टकराने वाली ही होती है कि ये पानी में कूद जाता है। ये अपनी जान बचाता और उसके आंखों के सामने से शिप चली जाती है। जॉन और हम समझ जाते हैं कि शिप उसे छोड़ना नहीं चाहती है। यही सोच के जॉन पूरा टाइम पानी में गुजार देता है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी शार्क और सबसे ठंडा पानी। ना चाहते हुए जॉन को फिर से वापस बोट पे जाना पड़ा। ठंड की वजह से वो काफी कांप रहा होता है, इसलिए नीचे जाके ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो बोट कहीं जा रही होती है। फिर गेट के पास जाता है और गेट खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गेट लॉक हो चुका होता है। जॉन अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, क्योंकि जब से इस बोट में आया है उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है। तभी अचानक उसका नजर जाता है वॉशरूम पे, वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता होता है। अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है और छोटी सी जगह पे जॉन फंस जाता है। तभी बोट भी फुल स्पीड में जाने लग जाती है, इसके वजह से जॉन गिरने लग जाता है और उसको काफी चोटें आती हैं। काफी देर चलने के बाद बोट धीरे होने लगता है और गेट भी ओपन हो जाता है। बाहर निकलता है तो देखता है कि बोट एक शहर के किनारे लगी हुई है। दौड़ के किनारे पे जाता है, वहाँ से एक आयरन रॉड उठाता है। उसे लग रहा होता है कि यहीं से कोई इसे कंट्रोल कर रहा है और उसी ने जॉन को किडनैप कर रखा है। काफी छानबीन करने के बाद वहाँ कोई नहीं रहता है तो जॉन वापस आने लगता है, लेकिन जब ये मंजर देखता है तो उसकी होश उड़ जाती है। जॉन को बोट किनारे पे छोड़ के वापस जा रही होती है। जॉन समझ जाता है कि उसे कोई शक्ति चला रही है। अब बोट एक नए शिकार के तलाश में निकल जाती है और जॉन भी एक ऊंचे स्थान पे जाके समुद्र को देखता है और कोशिश करने लगता है यहाँ से निकलने का, लेकिन घूम फिर के फिर से वहीं पे आ जाता है। तभी उसकी बोट दिखती है जो मूवी की शुरुआत में इसी बोट से समुद्र में गया था। अब बोट फिर से किनारे कैसे आई और इसमें क्या था और कौन लेकर आया, इसी सस्पेंस में मूवी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।